तो टेस्ट है हमारा, 11 टेस्ट है ये। इसमें सेंटेंस है 67। हर मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। आपको एक बात ध्यान बताया था मैंने आपको, जब सेंटेंस रनिंग में होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे वैसे ही कह दूँ, एक सेंटेंस वैसे लिखूँ, आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही गोइंग। तो जब ये रनिंग में सेंटेंस होता है तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए। यही इसमें मिस्टेक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल में आपने यही किया था, जब यहाँ पे वाई होता था, इफ होता था, वेदर होता था, तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता था। ऐसे जब दैट होता था तो सब्जेक्ट आता था। डिफरेंस क्या बताया था, जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य स्टार्ट होता था तो इफ या वेदर से लगाते थे, जोड़ देते थे सेंटेंस को। यदि प्रश्नवाचक शब्द से होता था तो प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य को जोड़ देते थे। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस चेक कर लें क्या आंसर में क्या बनना चाहिए। तो इसके ऑप्शन में बी में आ जाओ आप, सॉरी सी में आ जाओ आप। वाई वाज ना करके वाई शी वाज होना चाहिए, वाई शी वाज। तो सी ऑप्शन में गलत है, और मैंने आपको सही करके भी बता दिया। मैं केवल आपको बुकलेट देते समय केवल उस पर टिक भी कर सकता था, लेकिन एक बार आपको और रिवाइज हो जाए और कॉन्फिडेंस बन जाए जिससे कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में नहीं आए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट सेंटेंस है 67, सॉरी 68। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशियंट एनफ, सफिशियंट एनफ टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। देखो, एनफ वर्ड, ENO UG, एनफ वर्ड हो गया, सफिशियंट हो गया, एम्पल हो गया, ये वर्ड सब सिनोनिम्स हैं, तो इनको एक साथ दो वर्ड कभी नहीं आएंगे ये। तो या तो एनफ, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट एनफ या इज नॉट सफिशियंट, कभी भी दो वर्ड एक साथ नहीं लिखेंगे आप, एक साथ दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, दो सिनोनिम्स एक साथ यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे इस तरीके के सेंटेंस रेयर होते हैं, कम आते हैं, लेकिन फिर भी जब पढ़ेंगे आप वहाँ पे एग्जाम में तो आपको स्ट्राइक करेगा। सफिशेंट भी एक है यार, एनफ भी एक है, तो इसको लगाना लिखा क्यों आपने, तो इसको जरूरत ही नहीं है। एक वर्ड लगाओ, सफिशेंट पर्याप्त, एनफ माने भी पर्याप्त, इट इज़ एनफ, इट इज सफिशेंट। क्लियर, तो सेंटेंस हमारा 68 कंप्लीटेड, 68 सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। अब आइए 69 सेंटेंस। सिक्सटी नाइन सेंटेंस, सॉरी, हाँ भाई 69। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वन सेल्फ, कैरी आउट द ऑर्डर वन सेल्फ। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान होगी, ईच ऑफ यहाँ पर बॉयज ही आएगा, जब यहाँ पर ईच ऑफ वन ऑफ तो यहाँ पर बॉयज आता है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर ही अपने की अंग्रेजी जो पजेसिव होता है वो भी सिंगुलर आएगी। बहुत अच्छी करेक्शन है। ठीक, अब ये जो अब कहोगे सर इसके अनुसार पजेसिव में, ये देखो आप, बॉय है, बॉयज है, सिंगुलर, बॉय का मतलब ही हो गया, तो यहां पर हीज आनी चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, ईच ऑफ देम, लेकिन देम तो प्लूरल है, जैसे बॉयज में बॉयज का मतलब, जैसे यहां पे देम लिखा होता तो देम है, देम का देम तो प्लूरल वर्ड हो गया, दे का देम प्लूरल हो गया, और इसका सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर होगा ही, तो यानी कि ही के अनुसार
वन सेल्फ आनी चाहिए या हिम सेल्फ आनी चाहिए? हिम सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ आती है, लेकिन जब हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं बहुत अच्छा सेंटेंस, मैं अभी तक का सबसे अच्छा सेंटेंस को कह सकता हूँ। इसको विशेष रूप से अपनी फाइल में, अपने जहाँ आपने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, उसको डबल ट्रिपल टिक करना। ऐसे सेंटेंस 10 बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बस एक ही दो कर पाते हैं, क्योंकि पूरा समझना है। आपको ध्यान होगा मैं एक सेंटेंस पूरा इस तरीके से फिर लिख रहा हूँ। ईच ऑफ, मान लीजिए गर्ल्स हैं, हैव डन देयर वर्क, मान लीजिए सेंटेंस ईच ऑफ आ रहा है गर्ल्स यहाँ पर से। ईच ऑफ जब यहाँ पर होगा तो ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यहाँ पर सिंगुलर आता है हैज, यहाँ पर जो अपने की इंग्लिश है वो इसके अनुसार, लेकिन इसके अनुसार सिंगुलर। गर्ल्स तो काफ़ी सारी हैं, तो गर्ल का सिंगुलर क्या हो गया? शी, और सी के संग क्या आनी चाहिए? हर। ये करेक्शन है। देखो भैया पेशेंस रखना होगा, ये नहीं कि आपका जो टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक था उसमें तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा, और जब टॉपिक आपका इंटरेस्टेड नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं था आपके लिए, उसमें आपने उसके प्रति इनडिफरेंट दिखाया। इनडिफरेंट वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनडिफरेंट वर्ड को ध्यान रखना। इनडिफरेंट वर्ड एक होता है किसी का इंटरेस्ट होना, उसकी तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। एक होता है इनडिफरेंट, उदासीन होना। जिस टॉपिक के प्रति आपका इंटरेस्ट है उसके प्रति तो आपने 10 घंटे पढ़ लिया, उसमें से तो आया 2 नंबर का। जो आपका टॉपिक अच्छा है, जो इनडिफरेंट है, उसमें से ज़्यादा आ गया, तो सिलेक्शन भैया आप समझ जाओ। कंपटीशन का मतलब होता है जो एवरी टाइम वी मेक अ सिस्टम, कंपटीशन उस सिस्टम को ब्रेक करता है कि बच्चों के माइंड जिस तरीके चल रहे हैं उससे थोड़ा सा कुछ अलग दो, कुछ अलग सेंटेंस बनाओ। तो वो जो डिफरेंट सेंटेंस करेगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समझेगा बच्चा, वही एग्ज़ाम कर पाएगा, ये समझना है आपको। तो उसको हर बार कुछ ना कुछ नया वो इस तरीके से देते हैं, उसी चीज़ को हमें बार बार प्रैक्टिस के द्वारा उस चीज़ को समझना होता है। हाँ भाई, 70 सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, और मैं इसका रूल भी लिख रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंस। जो आपने कंडीशनल सेंटेंस किया था उस पर आधारित है। देखें, इफ द पुलिस वुड हैव वर्कड इन टाइम, यदि पुलिस समय पर काम करती, द राइट झगड़ा वुड नॉट हैव अकर्ड, झगड़ा नहीं होता। आपको एक बात बताई थी कंडीशनल सेंटेंस में, थर्ड वाली की थी, कि इफ के साथ वाला पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और आगे वाले में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें द राइट वुड हैव, वुड नॉट हैव अकर्ड, वुड नॉट हैव अकर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड इफ के साथ बना दो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इफ द पुलिस हैड वर्कड, इफ द पुलिस हैड वर्कड, क्या बनाते हैं हम? इफ द पुलिस हैड वर्कड, इफ द पुलिस हैड वर्कड इन टाइम, तो इसका मतलब ए ऑप्शन में ही गलती है। कंडीशनल सेंटेंस था, बहुत अच्छा सेंटेंस था आपका ये, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाँ भाई, 71, द फ्लैग इज राइजिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में फ्लैग फहराया गया, एंड टेकन डाउन एट नाइट, और रात में उतार लिया गया बाय द गार्ड्स। अब इसमें यह है कि अगर ये रूटीन सेंटेंस है, ऐसा होता है कि सुबह कोई चीज़ फहराई जाती है, शाम को उतार ली जाती है, अगर ये रूटीन कार्य है तो फिर तो सेंटेंस राइट है। लेकिन अगर इसको एक ओकेशनल में लगाया गया,
कभी कभी जैसे हम इसको कहेंगे कि झंडा सुबह फहराया गया और शाम को गार्ड के द्वारा उतार लिया गया, तो इसको पास्ट में कहना ज़्यादा अच्छा है, और पास्ट में कहने के लिए इज का वाज लगाना है। द फ्लैग वाज राइजिंग इन द मॉर्निंग एंड टेकन डाउन एट नाइट बाय द गार्ड्स, ये इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, इसको ज़्यादा अच्छा इसमें यही रहेगा। क्लियर? हाँ भाई, 72। I have seen him going to the theater with his friend yesterday. Rule. हाँ भाई, yesterday आ रहा है, आपको बताया था yesterday आता हो, ago आता हो, ago के लिए back बताया था, before बताया था, yesterday ago, last month, year. अब जैसे आप कौन सा चल रहा है 2021-2020 तक के जो भी वर्ष हैं सब यही सब पास्ट आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आई हैव सीन गलत है, आई सॉ। तो पहला सेंटेंस जो ए में गलती है, आई शो करना है, हैव सीन की जगह आई सॉ हिम गोइंग, मैंने उसे कल जाते हुए थिएटर देखा। ठीक है, कंप्लीट है, तो इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है 73, प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस है। ही वॉज चार्ज ऑफ मर्डर दो द एविडेंस डिड एवरीथिंग टू कन्वेंस द जज ऑफ हिज इनोसेंस। अर्थ नहीं देखेंगे, आपको वर्ड बताया था एक्यूज, एक्यूज, एक्विट, कन्विक्ट, एक्यूज अपराधी, कन्विक्ट माने भी अपराधी, एक्यूट माने मुक्त करना, किसी को अपराध से मुक्त करना। ठीक, ये दोनों वर्ड तो सिनोनिम्स थे, एक्यूज और कन्विक्ट। अब किसी को अपराधी, आई एक्यूज्ड हिम ऑफ मर्डर, लेकिन जब इसको हम चार्ज लगाते हैं, ये भी चार्ज लगाना है, ये भी चार्ज लगाना है, आरोप लगाना, तो इसके साथ प्रीपोजिशन विद आती है, चार्ज विद। तो यहां पर ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, बस कंप्लीट, इसको इतना ही रखते हैं।